साग खाने का मन कर रहा है तो इसको खाएंगे आज बनाएंगे। हाँ, इसके पत्ता भी एकदम बालिक बालिक एकदम पूरा ताजा ताजा। खड़ा भी देने से सिस्ता है तो सोचते हैं जो काट देने से जल्दी सीझेगा। तो अभी दोस्तों देखिए एक साइड हो गया है, पूरा उबल चुका है। अब इसको पलट देंगे दोबारा, इसको तड़का लगाएंगे। देखिए प्याज लहसुन मिर्चा सब दे दी। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी 6 बज रहा है सुबह का और अभी सुबह सुबह आ गए हैं बाहरी तरफ, अभी काम है। और आज मस्त एकदम इतना अच्छा हवा चल रहा है ना, पूरा ठंडा ठंडा, क्योंकि मौसम कल रात से ही चेंज कर दिया है और अभी तक से सुधरा नहीं है। और कल वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि गए थे छौ नाचने के लिए, आप लोग को पता है। तो वहाँ से आए थे ना तो सो गए थे, तो बहुत मतलब रात जगे थे तो लेट हो गया उठने में, जिस कारण वीडियो नहीं बन पाया। बाकी देखिए अभी पापा इधर कच्चू भी कोड़ रहे हैं मिट्टी, और उधर माँ भी कोड़ रहे हैं मिट्टी उठा रहे हैं। हाँ मिट्टी उठा रहे हैं। बाकी देखिए नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, एकदम हरा भरा। बाकी चलिए अभी जल्दी से यहाँ पर काम करते हैं, धूप होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा बहुत सूरज दिख रहा है, कल से ही सही मौसम क्या है, लेकिन पानी नहीं मारा है। बस पानी का कमी है गाँव में, हर जगह पानी का कमी हो रहा है। बस पानी नहीं होने से सब खेती मर जाएगा हम लोग का, वो उधर जितना है इधर भी जितना है सब। बाकी हो गया यहाँ से उठाया हुआ, इधर कोड़ना होगा फिर से, क्योंकि इधर घास है, पानी पटा लेंगे उसके बाद में फिर कोड़ेंगे। इधर कोड़ मतलब कोड़ लिए थे तो देखिए अभी उठा दे रहे हैं बस मिट्टी, इधर आप पानी पटा सकते हैं, उसके बाद में इधर कोड़ेंगे, इधर भी पटा देंगे और घास को बीच लेंगे, उसके बाद में कोड़ेंगे या माटी उठाएंगे। और दोस्तों देखिए इतना सारा कच्चू हम लोग फेंक दिए कुबाड़ के, क्योंकि ये नाला के बीच में था। देखिए जहाँ पर पानी जाता है ना वहाँ पर, देखिए इसके बीच में यहाँ रहता तो ठीक रहता। देखिए ये सब है ना, ये सब अच्छा जगह पे अपना जगह पे, बाकी बीच में तो ये क्या करेंगे अब? इसको बनाएंगे तीनों सब्जी। ओ कच्चू साग की सब्जी, अच्छा मस्त लगता है कच्चू साग का, अगर आप लोग खाए तो कमेंट कीजिए। साग खाने का मन कर रहा है तो इसको खाएंगे। हाँ इसके पत्ता भी एकदम बालिक बालिक एकदम पूरा ताज़ा ताज़ा, वही मेरे काट लिए है ना, काट लिए। देखिए इतना सारा रख लिए हम, मस्त एकदम कुदाल से काट रहे हैं, इनसे काट के ले जाएंगे। तो अभी दोस्तों देखिए दो मुठा हो गया है और इतना मस्त एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम कच्चू साग, इतना टेस्ट लगता है ना इसका सब्जी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज घर जाके यही बनाएंगे। और अभी क्योंकि बहुत दिन साग खाया हुआ हो गया। हाँ अगले पिछले साल खाए थे, इसका वीडियो भी बनाया तो आप लोग को ताज़ा ताज़ा दिखाएंगे वीडियो बना के चलिए कैसे बनता है सारा कुछ। बाकी बांध लिए हैं, ये अगर बेचना बेचेंगे ना तो ये 5 रुपए मुठा बेचेगा। तो अभी दोस्तों माँ जाएंगे नहाने के लिए और हम थोड़ा पटा देंगे भिंडी को, सूख गया पूरा, तब तक माँ भी नहा लेंगे जितना हो सकेगा पटाएंगे हम। जाइए नहाए जल्दी, सुबह सुबह नहाएंगे मस्त एकदम। चलिए कुदाल ले लिए, चलते हैं पानी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए मोटर, पानी फोड़ेंगे। और इधर पापा नाला बना रहे हैं, अभी पानी जाएगा इसी में वहाँ तक बारी में, क्योंकि फीता नहीं है इसलिए नाला यहीं पर बना दिए, पानी वहाँ गिरता है नाला नाला में मस्त एकदम चला जाता है सीधे बारी में। दोस्तों देखिए भिंडी पूरा सूख गया एकदम, दरार फट गया सूख के, ये देखिए पटाना जरूरी है, अब फूलेगा कुछ दिनों में भिंडी ना। ये ऐसा होता है ना कि बहुत छोटा सा ही फरता है, अब पानी देंगे ना 2 दिन बाद फूलना चालू होगा और फरना भी चालू हो जाएगा। इसमें देखिए बीज आता होगा इसमें, ये देखिए फूलना स्टार्ट हो रहा है, देखिए फूल रहा है अभी, ये सब है ना फूल है। भिंडी में यही है खास, मतलब छोटे से ही ये फल देना शुरू कर देता है मस्त एकदम। तो चलिए अभी पानी पटाएंगे यहाँ पर पूरा जितना हो सकेगा। तो अभी दोस्तों आ गया पानी, ये देखिए नाला नाला से और पहुँच भी गया, चलिए अब फोड़ते हैं इसको। चलिए इसी तरह भी सभी को ऐसा ही पानी देना है भिंडी में, जब तक माँ नहा रहे हैं तब तक पानी मस्त एकदम भिंडी में दे देंगे जहाँ तक होगा। तो दोस्तों अभी देखिए वहाँ से यहाँ तक पट गया पानी और इतना सारा बाकी है अभी, तो ये बाद में पटाएंगे। और माँ का नहाया हुआ भी हो गया है तो चलेंगे अब घर, भूख भी लग रहा है, टाइम भी 7:30 बज गया, इतना सारा पटाने में 1 घंटा लग गया टाइम। चलिए चलते हैं, साग भी लेते जाते हैं यहीं से, माँ बोले लेते आओ तो बोलेंगे घर जाके बनाएंगे सीधे सब्जी। माँ तो पूरा फ्रेश हो गए नहा के, और अच्छा और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है तो और फ्रेश लगता होगा। लीजिए धो लीजिए, फ्रेश कर दीजिए धो के।
पूरा बढ़िया से धो लिए, देखिए ताज़ा हो गया पूरा। अब चलिए घर चलते हैं। अब तो अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और ये देखिए माँ भी साग काटना स्टार्ट कर दिए हैं। इतना सारा काट लिए हैं और अभी काट रहे हैं पूरा। खड़ा भी देने से सीजता है तो सोचते हैं जो काट देने से जल्दी सीजेगा, इसलिए काट रहे हैं। हाँ चलिए, काट देने से ना अच्छा होता है, जल्दी सीजता है। देखिए ये सीजता है, फिर भी ज्यादा है तो उसको निकाल देते हैं। हाँ ये निकाल लेंगे, ये नहीं खाना है। बाकी देखिए अभी पूरा उबालेंगे इसको। हाँ। उबला हुआ भी खाया जाता है। हाँ। लेकिन मस्त हम लोग पका के खाएंगे पूरा। ये देखिए पूरा फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा साग। चलिए जल्दी से बनाते हैं, और काफ़ी तेज़ भूख लग गया पूरा एकदम। दोस्तों ये देखिए पूरा साग काट लिए हैं माँ, एक कढ़ाई भर गया एकदम। हाँ। अब इसमें नमक डाल देंगे। जल्दी सीझेगा। हाँ डालिए, और ऊपर से पानी दे देंगे और ढक देंगे ऊपर से। और आग यहाँ पर बुझ गया तो अभी आग जलाएंगे और भापेंगे इसको, उबालेंगे। ढकिए। तो अभी दोस्तों आग जला दिए मस्त एकदम, और दे दिए साग। ये देखिए यहाँ पर है साग, अभी उबलेगा पूरा, सीझेगा, उसके बाद फिर बनाएंगे मस्त एकदम। और देखिए आग काफ़ी सुंदर जल रहा है। चलिए बनाते हैं साग आज। तो अभी दोस्तों देखिए एक साइड हो गया है, पूरा उबल चुका है। अब इसको पलट देंगे दोबारा। देखिए एक साइड गल चुका है, और अब दूसरा साइड गलेगा, उसके बाद फिर अच्छे से पकाएंगे इसको। चलिए फिर से ढक देते हैं, पूरा पकेगा दोनों साइड से, उसके बाद मज़ा आएगा। तो अभी दोस्तों देखिए पूरा गल चुका है साग, और माँ भी इसको और अच्छे से एकदम पका रहे हैं, एकदम पूरा प्लेन करना है। खाने में काफ़ी मज़ा आएगा ऐसा में। देखिए इसमें जो होता है ना, बड़ा बड़ा थोड़ा रहता है, ढेठा हम लोग बोलते हैं, और पत्ता सब मिल जाएगा एकदम मस्त। और इसको अभी तड़का भी लगाना है, लहसुन मिर्चा। हाँ, प्याज वगैरह सब देखें मस्त एकदम। प्याज ले लिए इतना सारा हो जाएगा, छोटा छोटा प्याज है। अब काटते हैं इसको, और साग को यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए पूरा एकदम मस्त गीला हो गया है, अब इसको तड़का लगाएंगे। देखिए प्याज लहसुन मिर्चा सब दे दिए, हरा मिर्चा देने से और अच्छा लगता, लेकिन हम लोग के पास हरा मिर्चा नहीं था, ख़त्म हो गया है, इसलिए यही पका हुआ ही मिर्चा दे रहे हैं। और इधर अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, तेल डालेंगे, उसके बाद मस्त तड़का लगाएंगे। अभी दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, हम डालिए प्याज लहसुन मिर्चा, थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद देंगे वो, थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो चला दीजिए थोड़ा। तो भी दोस्तों प्याज जो भुंजा गया पूरा अच्छी तरह से, अब साग को यहाँ पर डाल देंगे। चलिए डाल दीजिए, चला दीजिए, चला दीजिए अंदर, वहाँ मिलने दीजिए। अब उसका टेस्ट एकदम पूरा बढ़ गया है, अब खाने में इसका जबरदस्त लगेगा एकदम। चला दीजिए अंदर अंदर, हाँ हाँ खुशबू आ रहा है, अच्छा हो गया हम लोग का रेडी साग। थोड़ा देर भून लीजिए, और देखिए कितना जबरदस्त बना है, पूरा मज़ा आ जाएगा आज खाने में। दस बज गया है और खाना अभी जाके बना है पूरा। ये देखिए भात बन गया है हम लोग का, वहाँ भात बांट दे रहे हैं, और यहाँ पर साग एकदम गर्मा गर्म एकदम पूरा हेवी तरीके से बनाए हैं आज। चलिए माँ भात बांटिए फटाफट, ये देखिए बहुत तेज भूख लगा एकदम, पूरा खाएंगे आज। चलिए माँ भात लगा दिए, अब साग बांट दे रहे हैं दीजिए। ओहो क्या लग रहा है साग एकदम, और टेस्टी लग रहा है लेकिन। तो देखिए माँ बांट दिए खाना, और अपने भी बांट लिए हैं, दोनों माँ बेटा मिल के खा रहे हैं। चल खाइए, बताइए कैसा लग रहा है। पूरा टेस्ट लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, ये देखिए साग भात बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं। टेस्ट तो है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया बना है, खाइए। चलिए पूरा खाते पेट भर अभी। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो चुका है, और नहा धोवा लिए मस्त, उल्टा काम किए आज, खा के हमको नहा के खाना चाहिए, लेकिन खा के नहाए हैं। बाकी कोई नहीं, कभी कभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होता है ना इसलिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।